और एक लाजवाब शॉट जाने वाले, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद, उन्होंने कोई गलती नहीं की। और ये बिट्टू मैक्सी एक अच्छे फील्डर जाने जाते हैं। Hey guys, good morning. Welcome back to my new blog. Guys, मैं बता दूं कि आज फिर से भागलपुर में सेमीफाइनल मैच है और गाइज मरवाड़ी कॉलेज में बहुत बड़ा मैच होने वाला है। आज का गाइज मैच बहुत ज़्यादा टक्कर का मैच होगा और मैं बता दूं कि अगेंस्ट टीम में बहुत सारे स्टार भरे पड़े हैं और मेरे टीम में तो 4-5 स्टार हैं। तो बिल्कुल आज मैं जैसे ही ग्राउंड जाता हूं तो फिर मैं आपको मिलाऊंगा। फिलहाल अभी मैं रेडी हूं और अभी खाना खाते हैं फिर निकलेंगे। मैं मिलाता हूं अपने भाई से। हाय कीजिए। तो ये मेरे बिग ब्रदर जो कि आज मेरे साथ जाएंगे और बिल्कुल खाना हम लोग का गाइस रेडी है। आप देख सकते हैं आज के खाने में चावल और सब्जी। तो खाना खत्म करते हैं और फिर निकलेंगे मैच के लिए। A few moments later. मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारे बीच आए हैं गाइस, यहाँ मिले आनंद भैया से। हाय कीजिए भैया। तो गाइस आज आनंद भैया छुट्टी पे आए थे तो आज मैच था सेमीफाइनल और आनंद भैया भी जा रहे हैं। तो बिल्कुल इनका भी घर जमालपुर है और अभी आए यहाँ पे रुके और अभी हम लोग इनके साथ जाएंगे। फाइनली गाइस मैं ग्राउंड आ चुका हूँ और टॉस भी हो चुका है। हमारे भैया हैं, बताएंगे कि टॉस क्या हुआ, कौन जीते। ये मिले भैया से। क्या हुआ भैया? टॉस मायागंज की टीम ने जीता है और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, हम लोग गेंदबाजी करेंगे। और भैया आप बताइए, आप तो बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं और आज का मैच कैसा रहेगा? मैच तो अच्छा ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस लोगों को 110-115 के अंदर समेट दें। ओके भैया, थैंक यू भैया। तो गाइज जैसा कि हमारे कैप्टन आज बताए तो बहुत ही रोमांचक मैच रहेगा और अभी हम लोग का फील्डिंग है तो हम लोग जाएंगे क्षेत्र रक्षण करने के लिए। सभी ग्राउंड में आ चुके हैं और आज के ओपनर हैं ओप्पो सरकार जो कि बंगाल टीम के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और बिल्कुल होगा तो मैं उनसे आपको मिलाऊंगा ओप्पो दा। और गाइज आज का मैच बहुत ही रोमांच होने वाला है तो बिल्कुल कुछ ही क्षणों में ये मैच प्रारंभ होगा। मिलते हैं मैच के बाद। ये सोनू बंगाली का सिक्स और ये साबा सिक्स और ये लवली कवर के ऊपर से छक्का और ये सोनू बंगाली अपने बहुत अच्छे फॉर्म में और ये शानदार तीसरा छक्का और ये तीसरा ओवर और ये शानदार पहला बॉल पे पहला छक्का ओप्पो सरकार और ये शानदार कैच आप भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा कैच लोका गया है, सोनू बंगाली आउट, शानदार लंबा छक्का बादल के द्वारा। स्ट्राइक में है बादल और ढील हाथों से कट शॉट खेला है फील्डर उसके पीछे और बादल दो लेना चाहते हैं और यहाँ पे हाना हाना देखना, रन आउट हो सकता है या नहीं और यहाँ पे बिल्कुल आउट, बादल आउट। ओ कॉटन बॉल, लंबा छक्का और ये बॉल जा ही रहा है। ओ लंबा, फिर से देख सकते हैं कितना लंबा छक्का डायरेक्ट ऊपर। बहुत अच्छा छक्का, मेरी नजर में अब तक का बेस्ट शॉट है ये मैच का। गेंद में ठीक और इसी के साथ दीपक और यहाँ पे दीपक का एज लगता हुआ और दीपक भी आउट होके पवेलियन जा रहे हैं। अब अर्शीत भाई आ रहे हैं, दीपक भाई गए और ये आनंद भैया का छक्का जा रहा है चल गया और ये आनंद भैया का लंबा छक्का। ब्रज किशोर स्ट्राइक पे बेहतरीन शॉट
फील्डर उसके पीछे और यहाँ पे दो रन चुरा लिया। लंबा छक्का, इस छक्के के लिए पूरी तरीके से हमारे फील्डर साहब जिम्मेदार हैं। लॉन्ग, कौन सा लॉन्ग ऑफ वाले ना लॉन्ग, बैट्समैन गौरव। ओ लवली लवली छक्का, बहुत लंबा लंबा छक्का मारिएगा। बताइए हमारी कमेटी के बच्चे दो बहुत जल्दी बॉल लगाएं। लवली, ओ आउट, फंसा लिया फंसा लिया फंसा लिया। संजू के द्वारा लिया गया है बड़ा छक्का, लंबा छक्का और ये धमाकेदार छक्का। रहा है और ये क्या है, छक्का, फील्डर गिरे यदि हुआ छक्का हो गया लिया। चलिए और ये बिट्टू मैक्सी एक अच्छे फील्डर जाने जाते हैं। फिर बल्लेबाज ने उठाया है, वहीं पे भी खिलाड़ी मौजूद है और इस तरह से मायागंज पर लगने वाला ये दसवीं झटका और इस प्रकार मायागंज की टीम ऑल आउट हो गए। जबकि स्कोर 155 है और क्रिकेट क्लब आज अच्छी फील्डिंग का नमूना पेश किए हमारे वरिष्ठ क्रिकेट कीपर तो गाइस मैं बता दूं कि हम लोग का फील्डिंग हो गया है ख़त्म और टोटल स्कोर अगेंस्ट टीम ने 156 रन बनाया है, 157 रन चाहिए जीत के लिए। और अगेंस्ट में गाइस आपने जैसा देखा ओपो सरकार और बहुत बड़े नाम थे और गाइस मैं क्या बताऊं, बहुत ही रोमांचक मैच है। 155 चाहिए और आज अगर जीतना है तो वन मैन आर्मी बनना पड़ेगा और मैं अपना 100% दूंगा, कोशिश करूंगा ये मैच मैं अपने दम पे निकाल सकूं। तो गाइज अभी मैच चल रहा है और जब भी मेरी बैटिंग आएगी तो बिल्कुल आपको वो दिखेगा। और ये उठा दिया लंदन के क्षेत्र में और ये अभी क्या होता होगा, लेकिन इसी के साथ कभी भी पटरी से नहीं उतरा छक्का, किसी छक्का यहां पर रोहित के बल्ले से आया हुआ बहुत खूबसूरत शॉट था छक्का। ये लाजवाब बाउंड्री के बाहर है या अंदर, अंदर है, छक्का नहीं हुआ, आउट हो गया। ओ लंबा छक्का, अरे वाह बहुत बढ़िया, इस बार बड़ा शॉट खेला है हवा में गेंद और ये आउट, छक्का लाजवाब, शॉट है उठा दिया आउट रोहित भैया, छक्का। तो फाइनली गाइस आपने जैसा देखा तो हम लोग ये मैच हार गए, बहुत गंदा मैच हारे, बहुत गंदा मैच क्योंकि हमारी टीम उतनी स्ट्रांग नहीं थी, अगेंस्ट टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और मैं आपको क्या बताऊँ, अंदर की कुछ बात थी जिसके कारण कि हम लोग का टीम जो मैनेज कर रहा था तो बिल्कुल वो टीम मैनेज अच्छे से नहीं किया, सिर्फ हमको बुलाया खेलने के लिए और किसी को नहीं बुलाया खेलने के लिए, इसलिए हम लोग ये मैच हार गए। फिलहाल गाइज आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।